अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद के संस्थापक हरि नारायण राय चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन एमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज के संस्थापक हरि नारायण राय चौधरी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतिमा अनावरण के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के संस्थापक हरि नारायण राय चौधरी के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने गुरु शिष्य परंपरा पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। हर किसी को गुरु का सम्मान करते हुए उनके द्वारा दिए गए विद्या को अनुग्रह कर भविष्य में कार्य करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अकबर और तानसेन, कृष्ण और मीरा की कहानी के माध्यम से उदाहरण देते हुए गुरु शिष्य परंपरा का बखान किया और जीवन में चरितार्थ करने की बात कही। मुझे याद है कि 5 सितंबर 1994 को इसी हॉल में शिक्षक दिवस मनाया गया था। तब मैंने इस हॉल में पहली बार एक लंबा भाषण दिया था और तब अवध नारायण राय प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे जो नहीं है, तब उन्होंने मुझे बुला के मेरा माथा चुमा था, बोला करे तुम तो बहुत अच्छा बोलने लगे हो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कोशिश किया था, मेरी तैयारी की थी इसको बोलने के लिए, लेकिन खैर यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी गुरुजन वृंद निराला विद्या मंदिर में जहाँ से मैंने अपने शुरुआती दिनों की पढ़ाई की और 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा, 9वीं क्लास का जब एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मैंने टॉप किया था, 10 में 99 थे। और जब मैंने 10वीं पास की तो पता नहीं मेरे बाद मेरा रिकॉर्ड किसने तोड़ा नहीं तोड़ा, लेकिन उस वक्त बहुत सालों तक ये रहा कि इस विद्यालय का सबसे अच्छा नंबर लाने वाला विद्यार्थी मैं रहा उस वक्त। तब जब मैंने 10वीं पास की थी तो 84% पाने वाले भी वोट डाक किया था, वह मेरा नंबर 78.16% था। लेकिन सोशल साइंस में विनय तिवारी यहाँ नहीं है, उन्होंने मेरे से हेल्प किया था बोर्ड के एग्जाम में, उनके 84 नंबर आए थे और मेरे 64 आए थे। अगर मेरे 84 आए होते तो मुझे लगता है कि टॉप 10 में मैं भी रहा होगा। खैर मैंने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के हिसाब से नहीं किया कि मैं कोई रैंकर बनूं, लेकिन गुरुओं की जगह तो छोटी छोटी गुरुओं से भी कहानी कहने के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसके बाद हम लोग भोजन के लिए चलेंगे। काफी मास्टर साहब ने हमसे कहा था कि बाबा की मूर्ति लगनी चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई इसमें देरी किस बात की, तुरंत ही लगनी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं 1-2% हम सब दोषी क्योंकि मिले होना चाहिए था पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब आए तो ठीक है, सबने खुले मन से अच्छे मन से स्वागत किया और अच्छा काम का स्वागत होना ही चाहिए। मैंने तो अपने संस्थान में या जब मैं सहारा में 15 साल गुरु से हो रहा तो मैंने एक नारा ही बनाया था कि अच्छे काम में कोई फाइल मत चलाओ, जहाँ बने वहीं से कर दो, मेरा स्टैंडिंग इम्प्रूवर। चूँकि मैं इसी विद्यालय में मैंने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी थी और मैं कह सकता हूँ कि परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और मैंने अपने जीवन में कभी नकल करके कोई परीक्षा पास नहीं की, उस वक्त नकल होता है। जानी मानी कृषि क्षेत्र में कोऑपरेशन क्षेत्र में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनी, उसके निदेशक विजयशंकर राय जी, सुरेंद्र भैया जो हम सबके बड़े आदरणीय हैं, उन्हें कह सकते हैं कि गांव की सबसे अच्छी सेवा अगर किसी ने की है तो आपने की है, सबको मुश्किल वक्त में सहारा दिया है आपने। आदर्श इंटर कॉलेज के प्राचार्य और जिनको हम लोग जिनके भाषण को सुन के बड़े हुए हम लोग जाते थे सुनने आपको, विजय शंकर राय सर और हम सबके आदरणीय जितेंद्रनाथ राय जी। समय काफ़ी हो गया है लेकिन आज जो मौका था जिस पर सभी लोग बोल चुके हैं, ठीक है तो मैं अपने प्रभु से आज्ञा लेके आती हूँ और उस छोटी सी कोठरी में मेरा घुसे और उसके बाद इस धरती पर कभी दोबारा नहीं देखी गई। तो जो मैंने कहा कि सारा जो जगत है वो भाव का जगत, हर समय में हर उम्र में हर काल में समय ऐसा ही था, कभी बहुत महान या बहुत अच्छा समय नहीं था। जैसे राम के बारे में कहा जाता है कि जब विश्वामित्र लेके जा रहे थे तो उन्होंने पूछा गुरु जी
किस तरह के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ लगते हैं ना। उन्होंने कहा कि पुत्र ये मेरे जैसे ऋषि मुनियों की रावण राक्षसों ने इतने बड़े पैमाने पर बल किया, हत्या किया है, उनकी अस्थि पंजरों के पहाड़ है। अब अंदाजा लगाइए उस वक्त में कितना बर्बर समय रहा। कृष्ण के समय में आप देखिए कि जब पांडवों ने कहा कि हमारा बड़ा अपमान हुआ, तो कृष्ण ने कहा कि अपमान की बात तुम्हारे से करोगी, तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो जेल में पैदा हुआ, जिसके माँ बाप को 14 वर्ष तक जेल में कैद करके रखा गया, जिसको राजा का लड़का होते हुए ग्वालों में पला, जिसको मारने की असंख्य बार कोशिशें की गई, जिसको ग्वाला कहकर ही बुलाया गया, उसको उसके सामने तुम अपने अपमान की तो बात करोगे। तो कुल मिलाकर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए बलिहारी को, आपने गोविंद जी को बताया, गुरुओं के सामने स्तुति करनी चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय। बार बार जहर दिया गया तो मीरा की जहर देने से मौत ही नहीं हो रही थी, तो मीरा के जो राजा पिता थे उदयपुर के राजा, कोई उनके पुराने लोग हिमालय से तपस्या करके लौट गए, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे अपनी बेटी से बड़ी ईर्ष्या हुई और बड़े बड़ा ये लगा कि उनका नाम बोल दिया, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रयास किया कि उसको मरवा दूं, उनका नाम बचा दूं। तो गुरु उनकी बात सुनते रहे, लेकिन गुरुदेव एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि सांपों से कसवाया, कई बार जहर पिलवाया, जहर इतना जहरीला था कि छूने मात्र से आदमी की मौत हो जाए, तो कटोरे का कटोरे ग्लास का ग्लास जहर पी मरती क्यों नहीं। तो गुरु ने कहा कि तुमको अब भी ये बात नहीं समझ में आई कि तुम्हारी बेटी मीरा सिर्फ मीरा नहीं रही, जो जिस कृष्ण को वो चाहती है वो चराचर सारे पृथ्वी सारे अनंत पृथ्वी अनंत सूर्य अनंत लोगों का स्वामी है। थोड़ी आभा तो मीरा के अंदर भी चाहने से उतरी होगी ना। तो उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं समझा गुरुदेव। उन्होंने कहा कि मानो कि समंदर में 10 ड्रम जहर गिरवा दो तो समंदर सूख जाएगा। तो उन्होंने कहा कि समंदर बिल्कुल नहीं सूखेगा, कुछ थोड़े बड़े जीव मर जाएंगे। तो बोले ऐसे ही समझो कि तुमको मीरा दिखने में शरीर जैसे, अब वो शरीर नहीं रही, वो इस पृथ्वी से बड़ी हो चुकी है, तुम जितना जहर गिरवा दो मीरा को नहीं मार सकते। उसके बाद राणा को यह ज्ञान हुआ कि मेरी पुत्री जीते जी भगवान हो गई है, तब उदयपुर से 1500 लोगों का जत्था निकला कि मीरा को वापस ले आ गया। वही होता है कि जब एक समय आता है कि महापुरुष को ठुकराया गया, उसको अपमानित किया जाता है, जैसे कृष्ण को अपमानित किया, बुद्ध को अपमानित किया, महावीर को अपमानित किया, सारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो अपमान का एक बहुत बड़ा इतिहास, एक बहुत बड़ी किताब। तो कहानी बताती है कि जब द्वारिका में मीरा कृष्ण की सेवा में थी, जहाँ द्वारिका मंदिर है, मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैंने 2014 में द्वारिका में गया और वहाँ पूरे दिन मैं मंदिर में बैठा। तो कहानी बताती है कि जिस कोठरी में मीरा कृष्ण की सेवा करती थी, उस कोठरी में एक सुराग मिलेगा, जंगला और खिड़की तो बहुत दूर की बात, 1500 लोग खिड़की के सामने ऐसे आके बैठ गए और उसमें से कईयों ने तो आत्महत्या कर ली, तलवार लगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं इस तरह के कि अब आपको चलना पड़ेगा। एक लाश मिली, दो लाश मिली, मीरा मना कर रही, अब मेरे जाने के लिए कोई वहां जगह नहीं बची। फिर मीरा ने कहा कि अगर ऐसी ऐसी बात है तो मैं अपने सामने किसी को मरते नहीं देख सकती, मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। तो ऐसे जैसे मान लो